Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Thank you.
श्रद्धा और भक्ति से माँ की आरती गाई, उससे मेरा मन ना छूटा, जुड़ उठा। मगर मुझे दीदी कहने वाले, तुम दोनों मेरे छोटे छोटे भाई कौन हो? मैं गजानन हूँ। हाँ, और मैं कीर्ति कुमार। गजानन, कीर्ति कुमार, कितने सुंदर नाम है। नाम भी प्यारा और रूप भी प्यारा। अच्छा दीदी, तो अब हम चलते। जा रहे हो? तुम दोनों ने तो थोड़े देर में ही मेरा मन जीत लिया, मगर फिर कब आगे? जब दीदी याद करेंगी, भाई आ जाएंगे। होंगे ना? जरूर आएंगे। जय माँ दुर्गा। फिर से एक बार दीदी कहो। गौरी, ये माँ और मुझे पिताजी कहने वाले ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये तो मैं भी सोच रही हूँ प्रभु। आप सोचिए माँ। हाँ, देखिए हम कौन है। बहन, बेटी सावित्री से? माँ, तुमने जिसे बेटी बनाया, हमने उसे अपनी बहन बनाया। भाई बहनों के संबंध सागर की गहराई और हिमालय की ऊंचाई होती है। दुख के कांटे चुनकर सिर के फूल बिखेर देना, उसकी आंसुओं की दो बूंदों पर अपना सर्वस्व निछावर कर देना बेटे। हाँ पिताजी, ऐसे ही होगा। हाँ, हम अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। सावित्री, पैर कहीं, नजर कहीं, क्या बात है? मंदिर में आज क्या मिल गया है? पता मैंने क्या मिला? हाँ बता। दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई। प्यारे प्यारे भाई? हाँ, दोनों बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद और सूरज जैसे। चांद और सूरज जैसे नहीं, राहु और केतु जैसे होंगे। मामी, मेरे भाइयों के लिए ऐसा मत कहिए। कहूंगी, जरूर कहूंगी। तुम मुझे कौन होती है रोकने वाली? जानती नहीं इस हवेली की मैं सर्वे सर्वा हूं, यानी कि सब कुछ। क्षमा कीजिए, सब कुछ तो माता दुर्गा है। बात बात में माता दुर्गा, जैसे तूने ही उनकी भक्ति का ढेका ले रखा है। मैं कहती हूं तू पूजा नहीं। मेरी पूजा की थाली गिरा दी। ललिता, फिर तुमने हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार मैं नहीं, ये करती है। आज न जाने किन अरे गहरे को भाई बनाकर ले आई, ये ठहरी फुलझड़ी। कुछ बोली तो रो पड़ी। कभी तो सच बोला करो। जीजा जी, मैं सदा हरिश्चंद्र की कथा पढ़ती हूँ और सच बोलती हूँ। ललिता, हमने बड़ी भूल की जो लल्लू के साथ तुम्हारी शादी की और तुम्हें इस घर में बहू बनाकर ले आए। बड़ी भूल की, बहू बनाकर ले आए, ये तो घोर अन्याय है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता देवी जी, ये घोर अन्याय नहीं, घनघोर न्याय है। अरे तुम फिर जीजाजी के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हो। सुर में? सुर में तो सुरताल बोलते हैं। आप जानती हैं कौन सी ताल में बोलती हैं? कौन सी ताल में? अक्ताल में। क्या अक्ताल में? बेटी सावित्री, सावित्री आई है। बेटी नहीं, क्या है? जबरदस्ती आ रही है ना, माता जी उत्सव का सामान है। कुमकुम, बरसात के पास बेरोही, और ये देखो माँ।
माताजी, माँ लाल चुनरिया उड़कर लाल लाल हो जाएंगी और उनका वो सुंदर रूप देखकर हम धन्य हो जाएंगे। बेटी, सदा की तरह नवरात्रि हम इस बार भी धूमधाम से मनाएंगे। जरूर मनाएंगे जीजा जी, मेरी बहन शोभा भी आ रही है धूम मचा रही है। शोभा आ रही है, उसे किसने बुलाया? मैंने बुलाया। देवी जी माफ करना, आप क्या कम थी जो उन्हें भी बुला रही? उन्हें भी बुला दिया। देखना दोनों बहनें मिलकर चार चार नहीं हो गए, नौ चार लगा देंगे नवरात्र। नवरात्रि का नवा दिन है, इसीलिए तो ये तैयारी चल रही है। नत्थू काका, हाँ चकोर भैया, रहा भाई, हाँ नत्थू काका, हाँ हवेली वाला माता का मंदिर खूब सजाया गया। अच्छा, हाँ हम लोग सब मिलकर आज झोल मंजरे की धुन पर माता के खूब गाएंगे। नवरात्रि का शुभ आगमन हमें पावन।
वो शहराई बंद क्यों कर दी? हाँ, अरे कुछ पागल मालूम होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। पागल ही हो? तुमने नवरात्रि के दिन को भंग किया है, देखती क्या हो? निकाल दे। अजनबी, तुमने शहनाई बंद करके माँ की भक्ति में विघ्न क्यों डाला? क्षमा कीजिए, मैं भी माँ का सेवक हूँ। सुनाई बेसुरी बज रही थी और एक कलाकार कलाकार अपमान सहन नहीं कर सकता है। कलाकार? जी हाँ, मुझे भी सहने से प्रेम है। बचपन से आज तक मैंने इसी की शुरू से अपनी जिंदगी सजाई है। क्या जिंदगी सजाई है? शहनाई से इतना बड़ा कलाकार है तो बजा तेरी शहनाई, मैं भी जरा देखूं तेरे शहनाई में कितना दम है। ये क्या शहनाई बजाएगा? बाप ने हमारी मेंट की और बेकार की हंदा। मत बुलाइए, हंसी मत। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अजनबी, अगर तुम सच कह रहे हो, सच्चे कलाकार हो, तो इस चुनौती को स्वीकार करो और बजाओ शहनाई। दुर्गा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो।
जितनी सवाली उतनी ही बाहें, कोई गया ना खाली, माँ दुर्गा की जय बोलो। तुम अपने दुखड़ों को भूल भूल नाचो, कांटे बन जाएंगे फूल फूल। माता माता एक तेरा ही सच्चा है नाता, कैसा अनर्थ हुआ? पंडित जी आंखें खोलो, कलाकार 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 आंखें खोलो कलाकार। अरे ये तो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? हाँ। इन्हें हवेली में ले चलो। हाँ हाँ सरकार, इन्हें हवेली ले चलते हैं। तुम जी बनाओ, इसको हवेली में लेके जाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसके मुंह पे पानी का छींटा मारो, अब भी आंखें खोल देगा। ठाकुर साहब, मालकिन हमेशा दूध की सोचती है, किसी अनजान को हवेली में नहीं ले जाना चाहिए। मुनीम जी, जिन्होंने अपनी कला से हम सबका मन मोह लिया, उन्हें आप अनजान कहते हैं? मन मोह लिया? सावित्री, ये तुम क्या कह रहे हो? सावित्री ठीक ही कहती है, ऐसी हालत में हम एक माँ के भक्त का अपमान नहीं कर सकते। नट्ठू चलो उठा ले। हाँ, चलो भाई। अच्छा करो, दया करो माँ, दया करो, दया करो माँ। माँ, अभी तक उनकी हालत वैसी है, वे सच्चे कलाकार है, उनकी कला ही आपकी भक्ति है। यदि उनको कुछ हो गया तो आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी। माँ, अपनी करुणा की ज्योति से उनके जीवन ज्योति को जगमगा दो माँ। दया करो माँ, दया करो। माँ,
माँ, माँ भगवती, माँ, 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 कलियो, घोर कलियो। क्या हुआ? अरे बाबा, जवान लड़की अकेले में किसी अनजाने जवान लड़के की सेवा करे? जी 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 जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ही मेरी सेवा करो। लो शुरू हो जाए। अरे चलो हटो। क्या सावित्री बिटिया की सेवा से वो परदेशी अच्छा हो गया? हाँ नत्थू काका, और जानते हो उस परदेशी का नाम क्या है? अजय। और अजय क्या सेनाई हो जाता है? सेनाई, इस जीवन में सेनाई तो बहुत सुनी, पर वो परदेशी अजय जैसी कभी नहीं सुनी। जैसे कलाकार वैसे ही भक्त। लीजिए माँ का प्रसाद लीजिए। प्रसाद? हाँ हाँ मैम। सावित्री, तुमने मुझे अनजाने परदेशी की कितनी देखभाल की, तुम्हारा ये एहसान। मैंने बहुत मुश्किल किया। मैंने? हाँ, आपने अपनी कला का वो रंग दिखाया जो मैंने कभी नहीं देखा था। शहनाई के सुरों की वो गंगा बहाई जिसमें मेरा तन मन सब कुछ डूब गया। तन मन सब कुछ डूब गया शहनाई के सुरों में। कला का वो रंग देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। हाँ शोभा, सब कुछ ऐसा कभी नहीं देखा। अरे तुम दोनों ने भी ऐसा रंग पहली बार जिंदगी में देखा होगा। बेटा अजय, प्रणाम बेटी। जीते रहो बेटी। अरे 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 अजय, उठो मत बेटे, तुम आराम करो, लेटे रहो। बेटा, अभी तक तुमने अपना परिचय नहीं दिया, कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो तुम, इस हालत में क्यों भटक रहे? मैं नहीं भटक रहा था, मेरी किस्मत ने मुझे भटका दिया है। कुछ दिन पहले की बात है, जब सचमुच तुम्हारी कहानी दुखभरी है। इस विनाशकारी बाढ़ में कितने लोग बर्बाद हो गए, और जो बच गए उन्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। किंतु मैं अपनी माँ और बहन के बिना? ऐसा ना कहो बेटा। बेटा इतने निराश ना हो, माँ जगदम्बा पर भरोसा रखो, वे हजार हाथ वाली हैं, पता नहीं क्या उनकी कृपा हो जाए और तुम्हारी बिछड़ी माँ बहन तुम्हें मिल जाए। लेकिन तब तक तू हमारे पास रहो, हमारे बेटे बनकर। क्या बेटे बनकर? चीजा जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ ठाकुर साहब, मैं इस काबिल नहीं हूं। कहां आप इतने बड़े आदमी और कहां मैं। रास्ते के पत्थर को आप हीरा मत समझिए। बेटा जो हीरा है हम उसे हीरा ही समझेंगे। तुमने शहनाई बजाकर माँ की भक्ति में चार चांद लगा दिए, हर आदमी तुम्हारी कला पर मोहित हो गया। बेटे, सरस्वती का पुजारी दौलत वाले से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, बेटा आज से तुम हमें अपने पिता के समान समझो। बाबूजी। बेटे लो दीदी,
ये तो बन गए बाप और बेटे। मैं पूछती हूँ क्यों किसे अरे गहरे को अपना बना रहे हो? शोभा, ये अरे गहरा नहीं, आज से ये हमारा है और तुम सब भी इसे अपना समझो। जीजा जी, कहीं ऐसा ना हो कि फूलों के बदले काटे मिले। हाँ, और फिर तुम अपना सर पकड़ कर रो। रोता वही जिनकी सूरत रोती है। कह के कहने वाले, जीजा जी ने तो धर्म का काम कर दिया, लेकिन तुम दोनों धर्म के मरम को कभी नहीं समझो। चुप, चुप। मैंने बोला ही क्या है? आपने पिताजी की बात मान ली, मेरी बात मान ली। तुम्हारी बात? हाँ, मैं भी यही चाहती थी। क्या चाहती थी? हाँ, आपके शहनाई के सुर यहाँ गूंजते रहे, सदा गूंजते रहे। देखा अजय, ये है हमारे पूर्वजों का बनाए हुए माता का मंदिर। हर दिन सुबह शाम यहाँ आरती होती है, हर साल नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। सावित्री, प्रणाम पिताजी। दुपहर हो गई थी, पूजा कर ली? हाँ, आरती दीजिए। बैठा जाए, तुम भी आरती लो। जो ले माता की आरती, माता उसका काम संवार। अरे बेटा चकोर, इन्हीं माता जी ने हमारे ठाकुर साहब के सभी काम संवारे। मुनीम जी, इन्हीं की दया से हमारी शान और आनबान है, इन्हीं की छत्र छाया तले हमारा इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। कल मुनीम जी, हम चाहते हैं आप अजय को हमारे कारोबार के इस बारे में सब कुछ समझा दीजिए। क्षमा कीजिए ठाकुर साहब, आप बहुत ही भोले हैं, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। ये ठहरा परदेशी, भला इसको क्यों कुछ काम सिखाना चाहिए? हाँ, पंछी और परदेशी नहीं किसी के मित्र बराबर है। और इसका क्या भरोसा, आज यहाँ तो कल कहीं और। शोभा, हम कह चुके हैं अजय यही रहेगा। मुनीम जी, हमने जो कहा है वही कीजिए। चलो अजय। मुनीम जी, अजय नहीं कहिए अजय बाबू। हाँ सुन ले पिताजी, उन्हें अजय नहीं अजय बाबू कहिए। तुम चुप रहो, आइए अजय बाबू। जाओ अजय। अजय बाबू। जीजा जी, ये आप ठीक नहीं किया। हाँ, ये आपने ठीक नहीं किया, सारा कारोबार उसके हाथ में सौंप दिया, एक दिन आप पछताओगे। शोभा, ललिता चलो। पिताजी, हर लड़की को आप जैसे पिता मिले। अच्छा, ऐसी क्या बात हुई बेटी? बात जो आपने की, किसी ने उन्हें पढ़ते से कहा, किसी ने ऐरा गहरा, किसी ने अनजाना, लेकिन आपने उन्हें अपना कहा। तुम अजय की बात कह रही हो? हाँ पिताजी, कलाकार भी है और समझदार भी, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। हमने कहा था ना, वो पत्थर नहीं हीरा है, हीरा। अजय बेटा बन गया बेटा, और मेरी दीदी जैसे कि कुछ भी नहीं। लोग कह गए कहने वाले। मैंने कहा देवी जी, कहाँ जाने की तैयारी है? मायके जा रहे हैं। मायके? अचानक क्या हो गया? जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो परदेसी, उसकी इज्जत और हमारे बेइज्जती। कल शोभा दीदी चली गई, आज मैं चलता हूँ। क्या नेक ख्याल है, इससे पहले कि आप अपनी इरादा बदल दें, चलिए मैं आपको छोड़ा दूँ। चलो चलिए। तुम क्या मुझे मूर्ख समझ?
समझते हो? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं समझते हो कि इतनी आसानी से चली जाओगी? कभी नहीं। मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसे पूरा करके रहूंगी। यहाँ बैठकर तुम सबके छाती पर मुंडनों के मोर मर गए। शहनाई वाले, वो शहनाई वाले की शहनाई न बंद कर दे तो मेरा नाम ललिता। हाँ खराटे भर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं सोते हुए भी जागती रहती हूँ। छिपी छिपी बातें दीवारें बाद में सुनती है, पहले मैं सुन लेती हूँ। क्षमा कीजिए मामी, मगर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अरे तूने तो बातों ही बातों में घर की मर्यादा को भी लात मारी है। आप मुझसे जबान चलाती है। लोग दिन में तारे दिखाते हैं, मैं तेरा झांटा पकड़कर रात में सूरज जब दीदी याद करेंगे। भाई आ जाएंगे हम के ना? जरूर आएंगे। सावित्री, सावित्री, अरे कल्ला माया आओ बैठो। भैया को टीका कराए? हाँ कराए, भैया ने मुझे साड़ी दी। अच्छा, और तुझे? मुझे भैया ने ये गले का हार दिया। तुम्हें तुम्हारे भैया ने क्या दिया? अरे आए ही नहीं तो देंगे क्या? सूरज सर पे चढ़ाया उनका तो पता ही नहीं। परदेसी भाइयों का क्या होगा भरोसा? भूल गए होंगे? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरे भाई मुझे कभी नहीं भूल सकते। वे जरूर आएंगे। हाँ हाँ, वो जरूर आएंगे। अरे तेरी आंखें खुशी से चमक रही है, थोड़ी देर में रोएगी। नहीं, तेरे हाथ का टीका उनके माथे पर कभी नहीं लगेंगे। जल
गणेश जी वैसे गदई मुकला हाँ। अच्छा भैया तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? जब मेरी दीदी को पसंद है
आप सुनो मीठा करो ना। अरे अब बाहर भी है ना, मैं ये सब बातें भूली है। तूने अगर मुझे सब कुछ बोला और वो भी मंगल टीका। हाँ आज भाई दूज है और प्रेम सावित्री ने हमें याद किया और हम उसके पास दौड़े हुए चले गए। जीते रहो बेटा, ये भाई दूज का त्योहार तुम्हारे जीवन में बार बार आए और तुम बार बार अपने प्यार के उपहार से अपनी बहन का आंचल करो और बेटे कुछ ऐसी करनी करो कि भाई बहन का प्यार इतिहास बन जाए। तुम यहाँ क्यों आए? हमेशा कले की खूबसूरती भौरे को निमंत्रण देती है। वाह 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 वाह, क्या कविता कही है कलीर और भौरा। नमस्ते ललिता जी। नमस्ते। लेकिन ठाकुर इस तरह कब तक फटकते रहोगे? जब तक किसी लड़की की बाहों का सहारा न मिल जाए। वैसे हमारी सावित्री कैसी रहेगी? मामी जी, सावित्री ललिता जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, लेकिन ये फैसला। फैसला? जो मेरा फैसला वही जीजा जी का फैसला है, समझे ठाकुर राम सिंह? और हमारा फैसला यह है कि राम सिंह जैसा शैतान हमारे बेटी का जीवन साथी कभी नहीं हो सकता। शैतान? ठाकुर साहब, शादी ब्याह का फैसला गुस्से से नहीं प्यार से किया जाता है। मेरी बात पे सोचिए, और जब आपके दिल में मेरे लिए जगह हो जाए तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। कोई आशा नहीं। बनेंगे।
सावित्री, माता से क्या मांग रही थी? मैं कुछ भी नहीं, मैं बताऊं क्या मांग रही थी? क्या? सावित्री इसका नाम है, और सावित्री और क्या मांग सकती है? सत्यवान, सावित्री का सत्यवान। ठाकुर पृथ्वी सिंह, सेठ गिरधारी लाल, चौधरी हुकुम सिंह, शास्त्री जी, आपसे अभी यहाँ कहीं कैसा आना हुआ? ये खुद नहीं आए ठाकुर साहब, मैं इन्हें लेकर आया हूँ। तुम लेकर आए हो? जी हाँ, ये बताने के लिए कि आपकी लड़की का हाथ मांगने वाला शैतान नहीं, बल्कि शैतान वो है जो आपकी लड़की का हाथ पकड़ के दिन रात प्यार के गीत गाता है, जिसकी शहनाई पे आपकी सावित्री पागल होकर आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब दांव पे लगा चुकी है। ठाकुर साहब, हमारे गांव में ये प्रेम नाटक पहली बार खेला जा रहा है। इस गांव में आपकी ही बेटी नहीं, हमारी भी बहू बेटियां रहती है। याद रखिए, यदि कल कुछ हो गया तो ये कलंक आप ही को नहीं सारे गांव को लगेगा। आपके साथ साथ हमारी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। कलंक? इज्जत? ठाकुर साहब, कमान से छूटे हुए तीर की तरह गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। ठीक ही तो कह रहे हैं मालिक, समाज की आवाज भगवान की आवाज होती है। इससे पहले कि इस कलंक के जहरीले धुएं से हम सब का दम टूट जाए, सावित्री का विवाह किसी योग्य और खानदानी लड़की से कर देना चाहेंगे। ठीक ही कह रहे हैं। अरे जी जी जी, कितनी दिन का रहा? ओहो, इस सवाल का जवाब मेरे पास है। क्या? धौलपुर के गंगा सिंह है ना? हाँ। उसका बेटा रोला सिंह। मालिक, शुभ काम में सोचना क्या, कभी बुढ़वा भेज कर उन्हें बुला लेना चाहिए। फिर चक मंगनी फट दिया। जीजाजी, कल ही भोला सिंह के साथ मंगनी की रसम पूरी कर लीजिए। सोच ला रहे हैं ठाकुर साहब, हाथ कर दीजिए ठाकुर साहब। सावित्री, बधाई हो। बधाई? हाँ। किस बात की? कल तुम्हारी मांगनी होने वाली है। इसी बात की? अजय, ये तुम कह रहे हो? क्यों, क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ? सच? ये सच होने से पहले तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। सावित्री, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ अजय, मैंने तुम्हें ही अपने सपनों में सजाया है। मेरे मन के आकाश के तुम ही चंद्रमा हो। उसके चांदने की हर घड़ी, हर पल एक ही राग में गूंजती है। अच्छे, अच्छे, अच्छे। सावित्री, मैं तुम्हारे प्रेम का आदर करता हूं, किंतु मैं उस महान पुरुष का भी अनादर नहीं कर सकता हूं जिसने मुझे सहारा दिया है, जिसने मेरे गरीबी को इज्जत का लिबास पहनाया है, जिनके उपकार का बदला मैं अपने प्राण देकर भी चुका नहीं सकता हूं। मगर अच्छे, सावित्री, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर पर अशांति हो, लोग तुम्हारे खानदान पर उंगली उठाए, इसीलिए तुम्हारे पिता जिनके नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथों पे लगाए हैं, मैं चाहता हूं तुम मुझे से शादी कर लो। क्या तुम यही चाहते हो? हाँ। Thank you.
अजय ये तुमने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। सावित्री कहाँ की तैयारी है बच्चों? बहन सावित्री की सगाई की। सावित्री की सगाई? अचानक? ये सब सावित्री की मामे का खेल है। माँ माँ हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपना खेल लिखा जाए। आइए आइए राहुल आइए। ये है मेरे पिताजी और मैं उनका बेटा। क्या नाम है मेरा? भोला सिंह। और आप भोला है बेचारा? छोटे ठाकुर रूटे हो गए तो? ना कोई उठा ले गए तो? कोई उठाएगा? कोई अच्छा तो आप ही समझ लीजिए ना। मैं समझ लीजिए। बैठिए ठाकुर साहब अभी तक नहीं आए। आप ही होंगे ठाकुर? भले ठाकुर साहब आए ना आए मगर मेरी होने वाली दुल्हन का है। ये तो लंगड़ी है। हाँ लंगड़ी है। अरे हमारी सावित्री तो बिल्कुल ठीक है। हाँ लंगड़ी कहाँ है? पिताजी मर गए। क्या बकता है? मैं मर गया? आप नहीं ये लंगड़ी के साथ काली भी है। ठाकुर साहब हमारी सावित्री काली नहीं मृगनयनी है। हाँ इसकी एक एक आंख पर फूल बांध जाओ। ठाकुर साहब जरा अच्छी तरह से हमारी सावित्री की तरफ देखिए। तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। ये तो लंगड़ी कहानी 700 बुढ़ी भी है। ये तो 80 साल की बुढ़ी है। हाँ मुनीम जी ठकुरान क्या हमारे साथ मजाक करने के लिए बुलाया था? मजाक नहीं नहीं आपको धोखा हुआ है। धोखा हुआ नहीं धोखा दिया गया है। नाम बड़े और दर्शन छोटे हमें नहीं मालूम कि ठाकुर पृथ्वी सिंह का खानदान गिरा हुआ नीच है। गंगा सिंह हमारा खानदान नीच नहीं तुम्हारा है। जब जबान संभाल कर बात करो। अरे तुम अपनी जबान संभालो। कहा हमारे ठाकुर साहब और कहा तुम एक मामूली घटिया इंसान। गवार बेटे का गवार बाप। चुप रहो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अरे जा जा ये धमकी किसी और को देना। अरे हम तो आंखें दिखाने वाले की आंखें निकाल लेते हैं समझे। आंखें निकाल पिताजी भागो। हाँ भागो नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे जा जा भागो नहीं जाएंगे इन्हें उठाकर बाहर भागो। अरे क्या कर रहे हो? क्यों दीदी कैसी रही? अच्छा दीदी अब हम चलते हैं। चल भैया भाग गए तुम तो भाग। आए तो पर मम्मी करने अब शकुन घोर मंगनी करने वाले को भगा दिया। अब सावित्री से कौन कौन मंगनी करेगा? अब ये मनहूस सारी उम्र कुंवारी रहेगी। कौन कहता है हमारी बेटी कुंवारी रहेगी? कौन कहता है हमारी सावित्री को सत्यवान जैसा वर नहीं मिल सकता? यही क्या कह रहे हमारी सत्यवान और सत्यवान जैसा गुणी होना लड़का है हमारा अजय। हाँ माता महाशक्ति की कृपा से हमने निश्चय किया है आने वाली अक्षय तृतीया को अजय और सावित्री का विवाह कर दिया जाए। महाशक्ति
बड़े दुख की बात। सावित्री तुम कब आई? यही चंद्रमा ने रात से पूछा, तुम कब आई? अच्छा, उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा जब तुम आए मैं आई। ये कविता है या पहली? न कविता न पहली। फिर क्या है? क्या रही है पता है? क्या? बहुत देर हो चुकी, अब सो जाइए। दर्द हुए कुछ हल्के, हर
बदलूं, तू जैसी है वैसी ही बदलूं। आपत्ति न हो जो ईश्वर को, आपत्ति न हो जो ईश्वर को, तो तेरी पूजा भी कर लूं। अग्नि देवता के समक्ष पति पत्नी बन गए। गौरी, जो भी कन्या सच्ची भावना से तुम्हारी आराधना करती है, उसके हाथों की मेहंदी, माथे की बिंदिया सदा मुस्कुराती है। वो मनचाहा पति पाकर निहाल हो जाती है। प्रभु कौशल्या, आज तुम होती तो कितनी खुश होती। अजय के हाथों सावित्री को सौंप कर मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा हो गया। सावित्री, आज हमारे जीवन की अनमोल रात है। रात अनमोल नहीं, अनमोल तो मेरे देवता है। सावित्री, हाँ, और अपने देवता से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ? क्या कहना चाहती हूँ? मैंने मन्नत मांगी थी, शादी के बाद हम दोनों मिलकर माता के पावन मंदिर के दर्शन करेंगे। माता के मंदिर के दर्शन? हाँ स्वामी, यही मेरी इच्छा है। सावित्री, तुम्हारे भावना के फूल माता के चरण में अवश्य चढ़ेंगे। माता के हर मंदिर से ही आवाज आएगी कि सावित्री नहीं आई, माँ की बेटी आई है। माँ की ममता तुम्हें पाकर फूली न समाएगी। हाँ सावित्री, जय दुर्गा माँ दुर्गा।
अरे क्यों बंदर की तरह उछल उछल कर गला बजा फाड़ कर चिल्ला रहे हो? क्या बात है? कहे गए कहने वाले अजय और सावित्री तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। क्या बोलो वापस आ गए? हाँ, उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, तुम अपने कर्तव्य पूरा करो। कैसा कर्तव्य? उनका सेवा करो, उन्होंने माँ दुर्गा के दर्शन किए, तुम उनका दर्शन करके लाभ उठा लो, जल्दी से जाके उनकी आरती करो। आरती करो? सुखी रहो बेटा, यात्रा कुशल से तो हो गई, कुशल से हो गई और सफल भी, सफल भी हो गई। बाबूजी, माँ अम्बे की पावन तीर्थों के दर्शन के साथ साथ मुझे अपनी माँ और बहन मीना भी मिल गई। बेटा, हमने कहा था ना, माँ हजार हाथ वाली है। माँ, ये है ठाकुर साहब, और मैं अजय का दोस्त ठाकुर साहब का साला लल्लू राव, और मैं इनकी धर्मपत्नी ललिता। ठाकुर साहब, आपने मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह रखा, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। ठाकुर साहब, आप मनुष्य नहीं, देवता है। बेटी, हम कुछ नहीं है। ललिता, अरे घर सोचती क्या है, इनकी आंखें उतारो। बेटा अजय, चलो अंदर आकर आराम करो। चलो बस। कहके कहने वाले देवी जी, मेरी भी आरती उतारी। उपकार नहीं भूलूंगी, चलो आराम कर ले। एक तो पहले खुद घर जाओ बना, अरे नमन का सुन माँ बहन को पकड़ कर ले आया। हरू साहब, हरू साहब, अरे बहुरानी जी थोड़ी है। बहुरानी जी, सुना आपने यात्रा से अजय और सावित्री वापस लौट आए पिताजी के साथ, उनकी माँ और बहन भी आ गई। हाँ आ गई, आप लड्डू आ गए। अच्छा, वापस आ गई। बड़ा झूठ है यार, पहले शहनाई बजाने वाले से दामाद बना और अब अपनी माँ और बहन को लाकर पूरी हवेली पे कब्जा कर लेना चाहता है। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है, लेकिन मुनीम जी, मैंने रामायण कम महाभारत ज्यादा पढ़ा, अब तक उन्हें यात्रा का आधा फल मिला है, अब उन्हें यात्रा का पूरा फल मिलेगा। अरे कहाँ मर गए? क्या धरती में समा गए क्या? ओहो विलास, अरे ओ लक्ष्मी। जी बाबूजी। क्या तुमने कहा? कहाँ चले गए थे? जी जी, हम दोनों उस कमरे में बातें कर रहे थे। जब देखो तब बातें ही करते रहते हो, अरे काम करने में तो जान जाती है। जी, गलती हो गई। गलती हो गई, जब देखो तब गलती हो जाती है। बहू रानी, माफ कर दीजिए। मैं माफ नहीं करना जानती। और सुनो, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। नहीं बहू रानी जी, ऐसा मत कीजिए, हम गरीब हैं। हम कहाँ जाएंगे बहू रानी? तुम, मैं क्या जानू, मैंने तुम्हारा कुछ ठेका ले रखा है। जाओ यहाँ से, आज से अपनी मनो सूरत मुझे नहीं दिखाना। बहू रानी, जाओ यहाँ से। नहीं बहू रानी, अरे जाओ। नौकरों ने तो नाक में दम कर दिया है। क्या वो मम्मी जी? मेरा सर, इस घर में जो भी आता है सर पे चढ़ जाता है, नौकरों को कुछ बोलो तो रुक चक्कर हो जाते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर का काम कौन करेगा? चिंता मत करो बहू, हम जो है तो जी हाँ, घर के लोग घर का काम ही करेंगे तो और कौन करेगा। लो, अब बाहर के लोग घर के लोग बन गए। हाँ, ये भी ठीक। देखो भाई, मैं नहीं कहती मगर तुम करना ही चाहती हो तो करो, मैं रोकती भी नहीं। चूल्हा चौका कपड़ा बर्तन सब करना पड़ेगा, समझी?
ये लोग ये क्या करेंगे? अरे ये लोग नहीं तो क्या, ये हवेली की दीवारें करेंगे। अगर तुझे इतना दर्द है तो तू ही हाथ बटा दे। बोल रही हूँ, सावित्री की क्या जरूरत है, हम दोनों मिलकर करेंगे। हाँ मैं और मामी से घर का सारा काम कर लेंगे। लेकी और पूछ शुरू हो जाओ। गौरी, यही तो तुम्हारे भक्तों की सच्ची कसौटी है। सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। मां शक्ति के भक्त अपनी माता के नाम पर मिट जाते हैं किंतु अपने सिद्धांत पर सदा अटल रहते हैं। तुम्हारे बारे में, मेरे कारण तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहां चली आई। कहां तुम्हारे ऊंची हवेली और कहां ये मामूली घर। मेरी बात मानोगे? क्या मुझे छोड़कर तुम हवेली वापस चली जाओ? क्या कह रहे आप, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं सावित्री, मैं गरीब तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। पता नहीं मैं बदनसीब तुम्हारे जीवन में क्यों आया। मेरा जीवन आबाद करने के लिए, और सच तो ये है आपके बिना वहां का ऐश्वर्य किसी काम का नहीं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके गरीबी आई मेरे से नहीं। सावित्री, हर बार तुम उसे जीत जाती हो। नहीं, हार जाती हूँ। पर स्वामी, क्या चिंता बस एक बात की है, जब पिताजी वापस हवेली लौटेंगे और हमें वहां नहीं पाएंगे तो तुम पर क्या बीतेगी? अजय, सावित्री कहां चले गए? ललो
चले गए? साफ साफ कहो बात क्या है? वही तो कह रही हूँ, करो सम्मान और समझे अपमान। मैंने अजय की माँ बहन को काम करने से कितना रोका, मगर माने ही नहीं। बर्तन गिराकर मुझे खरी खोटी सुनाई और नौ दो गहरा हो गई। चुप रहो, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, तुमने उन्हें भगाया होगा। गए कहाँ? जीरा जी, वो लोग तो इसी गांव में हैं, गरीबों के बीच। अपने नथु है ना, उसके घर। नथु के घर? हाँ जी, इसी गांव में। जी चलो लालू, अभी हम उन्हें लेकर आते हैं। जी लेकर आते हैं। बेटा आ जाए। जी रहो बिना बाबू, सुखी रहो। बेटा आ जाए। हम कुछ दिन के लिए हवेली से बाहर गए, तुम सब हवेली छोड़कर यहाँ चले। ललिता ने तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उसके कसूर की सजा होने क्यों? चलो बेटा, सुनिए हवेली को फिर से आवाज कर दो। हाँ आ जाए, वापस चले चलो। उससे क्या हो बाबू जी? मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसके लिए मजबूर हूँ। मजबूर क्यों बाबूजी? मैंने माता दुर्गा की सौगंध खाई है, हवेली में कभी वापस नहीं जाऊंगा। सौगंध खाई है? बाबूजी, क्या आप चाहते हैं कि मां की सौगंध टूट जाए? नहीं, कभी नहीं। बेटा तुम यहां सुख से रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। नत्थु जी, मालिक। सावित्री और अजय हमारे बाग के दो फूल हैं, इनका ख्याल रखना, ये कभी ना मुरझाने पाए। मालिक, इन फूलों में धर्म और सच्चाई की सुगंध है, ये फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। बच्चों, पिताजी, अरे नाराज क्यों होते? मैं तो पहले से ही जानती थी, माँ के भक्त माँ की सौगंध कभी नहीं तोड़ सकते हैं। कभी नहीं यार। एक बात याद रखना ललिता, बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता। तुमने अजय और सावित्री हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चले गए। ललिता के अत्याचार ने हमारी ममता का गला घोट दिया। अब हम इस घर में अकेले कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? कौन मुझे पिताजी कहेगा, कौन मुझे बाबूजी कहेगा? अजय, सावित्री। पिताजी, सावित्री। हाँ? क्यों? स्वामी, मैंने एक भयानक सपना देखा। सपना? हाँ, पिताजी को जरूर कुछ हुआ है। ठाकुर साहब को लकवा मार गया। लकवा मार गया? जीजा जी को लकवा मार गया। इस जन्म में ठाकुर साहब कभी चल फिर नहीं सकेंगे। सावित्री,
हवेली में तो कुशल में है ना? कुशल कहा, आप दोनों का हवेली छोड़ना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं हुआ क्या हुआ पिताजी को? अरे बोलो, चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो क्या हुआ? बताओ बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने चक्कर आया, गिर कर बेहोश हो गया। मालिक ठीक तो है? हो गया, वेजन ने बताया है, वेजी ने बताया कि उन्हें लकवा हो गया, शायद फिर कभी चल सकेंगे। पिताजी को लकवा हो गया? हाँ, आओ सावित्री, आओ मीरा, आओ। हाँ माँ दुर्गा की सौगंध इस हफ्ते में कोई पाए नहीं रखता। क्यों बेटे, क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो ना भाभी, भैया चलो ना। नहीं, माँ दुर्गा की सौगंध हिमालय की तरह मेरे सामने खड़ी है, जिनके उपकारों से मेरा रोम रोम बधा है, उन पिता समान बाबूजी को मैं देखने को भी नहीं जा सकता हूं। बहू, माँ, जब पिताजी की सेवा का मौका आया तब उनके पास होते हुए भी मैं उनसे इतनी दूर हूं कि उनके पास भी नहीं जा सकती। चकोर, मामा जी से कहना उनका ख्याल रखे, और पिताजी से कहना हमारा शरीर जरूर उनसे दूर है पर हमारी आत्मा उनके पास है। हमारे हृदय और सावित्री भी हैं। हम जानते माँ के वक्त माँ की सौगंध कैसे तोड़ सकते। बेटा हृदय, बेटी सावित्री, जहां भी रहो खुश रहो, सुखी रहो। मैंने सब सुन लिया। क्या आपको काम मिला ना? उधर कहा? धर्मपुर के ठाकुर वीर सिंह के यहाँ कुलदेवी के मंदिर। कुलदेवी के मंदिर में? हाँ, वहाँ मुझे शहनाई बजाने का काम। क्यों, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। अरे हाँ बाबा, मीना कह रही थी कि तुम भी मुझे कोई खुशखबरी देने वाले हो, क्या बात है? मुझे कुछ भी तो नहीं। अरे बताओ ना, क्या बात? कुछ नहीं कहा ना। बताओ ना क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। बताओ ना क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ ना, तुम्हें मेरी सौगंध। हाँ? आप पिता बनने वाले हैं क्या? Thank you.
हो अजय बाबा आ गए। बधाई हो अजय बाबू, बधाई हो। बधाई हो। बधाई किस बात की? हाँ बेटा, 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 आपके घर में कृष्ण कन्हैया आया। माँ। सुना भैया, यशोदा के कृष्ण कन्हैया। हाँ, जैसे गोपाल कृष्ण लोग पागल गोकुलवासी होते भाग जाग उठे थे, इसी तरह सावित्री बहन के कन्हैया लोग पागल सबके भाग जाग उठे। मैं तो चला हवेली बड़े मालिक को खुशखबरी सुनाने। मैं तो चला भाई। बड़े मालिक, बड़े मालिक, बधाई हो, बधाई हो बड़े मालिक, खुशियां मनाइए, बाजे बजवाइए, मिठाई बजवाइए सावित्री बेटिया। हमारी बेटी माँ बन गई, लल्लू लल्लू, बरसों बाद हमारे खानदान में तिराग रोशन हुआ, बरसों बाद हमारे खानदान में तिराग रोशन हुआ। संभाल ली, संभाल ली, संभाल ली, अभी कुछ नहीं हुआ, हमारा संभालने वाला आ गया है, हमारा नाती, हमारा नाती आ गया हमें संभालने के लिए। सावित्री, हल्दी लगी ना फिटकरी, सावित्री मां बन गई। मैंने भूखी प्यासी रह कर कितने व्रत की, मंदिर में जाके कितनी पूजा पाठ की, लेकिन ये देवी देवता आंखें बंद करके कानों में तेल डालकर बैठ गए। हाय मेरे तकदीर। बहू रानी जी, क्या है? आप निराश न होइए बहू रानी जी, सावित्री की तरह आपकी भी तकदीर चमक उठेगी। मेरी भी तो तकदीर चमक उठेगी। हाँ, मैंने सुना है अपने गांव में एक सिद्ध पुरुष आए हुए हैं जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? हाँ बहू रानी। तो फिर मेरी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। चाहिए ना मनोज जी, उन्हें जल्दी बुला कर लाइए। हाँ बहू रानी। सावित्री माँ बन गई है, अगर सावित्री चांद से बेटे की माँ बन सकती है तो फिर मैं भी सुसुर से बेटे की माँ बन सकती हूँ। अजय बाबू, बेटी सावित्री, तुम्हारा बेटा कुमार बड़ा ही होनहार बालक है, पूरे 100 साल की उम्र भोगेगा और बड़े अच्छे उच्च कोटि के ग्रह हैं। सुना भैया, सुना भाभी, ग्रह भी बढ़िया और नाम भी बढ़िया, अपना कुमार तो कुलदीपक है, कुलदीपक। ठाकुर साहब आज यहाँ होते तो कितना आनंद आता, कुमार को नाना का भी आशीर्वाद मिल जाता। आशीर्वाद दीदी, नाना भी आ गए और मामा भी, और साथ में नानी भी आई है। फिर से मेरे भाई तो आ गए दीदी। हाँ? ये हमारे पिताजी और ये हमारी माता जी। सुखी रहो, सदा स्वागत रहो। दीदी ये तो आना ही नहीं चाहते थे, मगर हम इन्हें जबरदस्ती कैलाश से पकड़ कर यहाँ लाए हैं। कैलाश? कैलाश? हाँ, वही कैलाशपुर। हमारा गांव? हाँ, हमारा गांव। पिताजी इनसे मिले। ये है हमारे जीजा जी, श्रीमान अजय। अजय बाबू हमें आज्ञा दीजिए। तो आप हैं शहनाई के जादूगर। प्रणाम। सुखी रहो। यह है मेरी माँ और मेरी बहन बिना। बेटे अपनी शहनाई की जादूगरी हमें भी सिखा दो। मैंने कहा अब तक तो डमरू बजाते थे, अब शहनाई भी। डमरू बजाते थे? बेटे डमरू बजाना तो अपना पुराना शौक है, सोचा तुमसे शहनाई भी सीख ले, क्योंकि अपनी तो कुछ तबीयत ही अनोखी है, जो भी अपना मिल गया उसी के रंग में रंग गए। तो ये है
अपना नाती। कितना सुंदर है, क्या नाम है इसका? कुमार। कुमार? हाँ कुमार, तो फिर आओ हमारे पास। नहीं पिताजी, ये तो हमारे पास आएगा, क्योंकि हम इसके मामा हैं और ये हमारा भांजा। तो आजा। Thank you.
लल्लू। नहीं ललिता, अब इस हवेली में नवरात्रि कभी नहीं मनाई जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूँ, अजय और सावित्री नहीं है तो उस सब कैसा। लल्लू, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमने निश्चय कर लिया है अब हम बहुत जल्द अपनी जायदाद का वसीयतनामा करना चाहते हैं। अब हम अपनी जायदाद का बहुत जल्द वसीयतनामा करना चाहते हैं। अंतर्यामी महाकाल क्या सोच रहे हैं? काल की गति के बारे में, बात ही बात में कितना समय बीत गया। कैलाश नहीं चलना है देवी? लेकिन जाने से पहले एक बार सावित्री के पिता से मिल लें। अवश्य मिलेंगे, उन्होंने तो अपना सारा जीवन तुम्हारी सेवा में समर्पित कर दिया है। फिर भी वो बेचारे न उठ सकते न चल सकते। देवी, ये पृथ्वी एक कर्म भूमि है, यहाँ हर जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। सुना तुमने? क्या? कल जीजा जी मेरे नाम वसीयतनामा लिख रहे हैं। वसीयतनामा? तुम्हारे नाम? ख्वाब तो नहीं देख रही हो? ख्वाब तुम देखते हो, हकीकत मैं देखती हूँ। ठीक है, आगे आगे देखिए। होता है क्या? मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह वल्द सुजान सिंह मौजा मीरपुर गांव गंगापुर अपनी चल अचल संपत्ति अपनी बेटी सावित्री के पुत्र कुमार के नाम करता हूँ। हमारे जीते जी हम मालिक हैं, इसके बाद हमारा नाती कुमार, हमारे साले और सलहज लल्लू और ललिता जब तक चाहें इस हवेली में रह सकते हैं, मगर उनका यहाँ किसी चीज पर अधिकार नहीं होगा। पृथ्वी सिंह। अच्छा हुआ, इसी बहाने आप सबके दर्शन हो गए। किंतु आपके दर्शन में कोई रूप याद आ गया? याद ही तो सब कुछ है ठाकुर साहब, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। और आपकी याद ही तो हमारे मन में रह जाएगी ठाकुर साहब। क्या मालिक ने सारी जायदाद कुमार के नाम के कर दी? अजय बाबू, सावित्री बैठिया सुना। अजय बाबू, सावित्री बैठिया, मालिक ने सारी जायदाद हमारे कुमार के नाम के कर दी है। भगवान भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे जायदाद तो क्या संसार का हर सुख मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ नहीं, जिस पर देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं, उस घर पर सदा खुशी की नौबत बजती है। आठों सिद्धियां और नवो निधियां अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ उपस्थित रहती है। सच कह रहे पिताजी? क्यों माताजी, अब माताजी पिताजी करते रहोगे घर में चलना? हाँ, नवरात्रि जो आ रही है और बड़ी दूर जाना है। कैलाशपुर। अच्छा, तो अब हमें विदा दीजिए। विदा तो पराई तो दी जाती है, अपने को नहीं। और माँ जी, पिताजी, आप तो इतने अपने बन गए कि छोड़ने को मन नहीं चाहता। मन की बात निराली है। मन के साथ भावना रहे तो पास क्या और दूर क्या। मन दर्पण में जब जिसे चाहा देख लिया और पा लिया। अच्छा, आप लोग सुखी रहें। जय शिव शंकर। जय अम्बे माँ। पिताजी, भैया साहब चले गए। सावित्री, सुनिए, इनके रहने
में से चार बैल थी, खुशियां थी, अब ये चले गए, उदासी छा गई। चिंता ना करो, आने वाली नवरात्रि को सारी उदासी खुशी में बदल जाएगी। खुशी? हाँ। हर साल हम पिताजी के साथ नवरात्रि मनाते थे, किंतु इस बार। बिटिया, दिल छोटा मत करो, हवेली में नहीं हम इसी बस्ती में नवरात्रि का उत्सव मनाएंगे। जरूर मनाएंगे, भक्ति और मस्ती का एक नया रंग। भक्ति और मस्ती का नया रंग खिलेगा। जरूर खिलेगा देवी जी, मैं तो इसी खुशी में माता के उत्सव में जा रहा हूँ, तुम भी चलो ना। जी नहीं, मुझे वहाँ जाकर भक्ति के अंजीरे नहीं बजाने हैं, तुम ही पुण्य कमा लो। ठीक है, तुम यहाँ पाप कमा लो। क्या कमा? कुछ नहीं। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। मैं भी ललिता हूँ, नवरात्रि की खुशी मातम में बदल डालूंगी। आप देख रहा, अरे बाबा ये तो माता है, और ये माता अपना काम खुद ही करवा लेती है। धन्यवाद। देखिए स्वामी, माता दुर्गा का कैसा अनोखा रूप है। हाँ जानकी, बेटा नवरात्रि तो बहुत ही मनाई, पर आज की बात ही निराली है। हाँ हाँ, कह गए कहने वाले, निराली है, अनोखी है, साथ साथ बड़ी अनोखी भी है। मामा जी, चकोर आप लोग सब आ गए? अरे भाई कैसे नहीं आते, बस्ती में पहली बार नवरात्रि के उत्सव है, और माँ की भक्ति की सुगंध से सारा गांव महक रहा है। महक उठी, हम सब महक उठे, और उसी सुगंध के आनंद लेते हुए बस्ती में दौड़े चले आए। सावित्री, बीमारी के कारण जीजाजी भले ही यहाँ नहीं आते, लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने कहा हमारी शुभकामना श्रद्धा भावना सब तुम्हारे साथ। बड़े मन लेकिन मामी जी क्यों नहीं आई? तुम तो जानती हो सावित्री, जिया जी की सेवा के लिए हम दोनों में से एक को हवेली में रहना ही पड़ेगा। आपने ठीक कहा मामा जी, मामी जी को उनके पास इस समय रहना बहुत जरूरी है। बेटी सावित्री, पूजा का समय हो गया, आज नवरात्रि का पहला दिन है, समय बीत रहा है, आओ हम सब मिलकर पूजा आरंभ करें। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेदी कुष्माण्डे चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेदी खष्टं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्री च महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रतीष्ठिता। ये लो तुम्हारा इनाम, मगर याद रखो जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है हर हालत में वो काम तो पूरा होना ही चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र ये मालकिन, लाखन जिस काम में हाथ डालता है उसे पूरा करके छोड़ता है। नवरात्रि कुमार। Mama।
बच्चा मिल जाए।
माता मुझे रखो। के जीवन भी पूछता जा रहा है क्या आपकी दाव में अजय बाबू कुमार को डसने वाला जरूर कोई पुराना कोयला पहनकर हो अच्छा कोया बाबू की माता के सेवन से नामों का चैन उतर रहा है भटराज भटराज दया कीजिए भटराज माँ पर भरोसा करो मेरे बेटे की भी जहर उतर दी जाए भटराज दया कीजिए चेत मई कालिका चिताबे तेरा पानी का काली, महाकाली, आदि अपनी बात, उतार इस बच्चे की जहर। माँ, आपके हाथ में पंचालती की गोद सुनी क्यों हो गई माँ? बोले ना माँ, उसके आंखों के तारों के लिए नवरात्रि की पहली रात बेटे होनहार के आगे देव दानव मानव सभी सिर झुकाते सावित्री के बेटे कुमार का जीवन इतना ही शेष था नहीं नहीं पिताजी ऐसा ना कहिए पिताजी आपने और माँ ने कुमार को युग युग जीने का आशीर्वाद दिया था फिर ऐसा क्यों हुआ पिताजी उत्तर दीजिए पिताजी उत्तर दीजिए उत्तर दो माँ कुमार को सांप ने डस लिया सावित्री बहन की गोद सुनी हो गई जीजा जी क्या कहा क्या कहा माँ हमारे खुद ही पक्की छोटी मिठा दी जो चला गया उसका क्या रोना जीजा जी कुकू कुकू कुलदीपी का तो है चुप रहो बहादुर के ये हमारा कैसा दुर्भाग्य ना भी चला जाए हम नाराज भी रहे ये कैसा दुर्भाग्य सावित्री सावित्री देखो ऊपर वाले ने इसके नाम माता ना वाले किया टूट गए रे
अरे सबके बच्चे मर जाते हैं अगर तेरा लड़का तो नहीं मामी जी नहीं मेरा बच्चा मरा नहीं वो सोया है हाँ वो भी काल की गोद जो कभी नहीं जाग सकता ऐसा मत कहिए मामी जी मेरा लाल अवश्य जागेगा जब तक ये आंख नहीं खोलेगा तो मैं जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगी सावित्री ये तुम्हारी कैसी प्रतिज्ञा है स्वामी ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं ये मेरा व्रत है माँ दुर्गा पृथ्वी आकाश चंद्र सूर्य ये सब मेरे व्रत के साक्षी रहेंगे बेटी माँ मेरे इस व्रत के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा होती रहे नवरात्रि के उत्सव में कोई विघ्न न पड़े सब मिलके माँ के गुण गाते रहे हम लोग सब चुप क्यों है पूजा की यहाँ से कीजिए स्वामी पूजा ने सिखाई है वहां से करे पूजा के बस चाहिए ना पूजा जी से न दुर्गा भाई ना मुझे मार दिया मैं जोड़ दूँ ना दुर्गा मेरा बच्चा मरा नहीं वो सो रहा है ना पार्वती तुम्हारी पुत्री सावित्री कितनी व्याकुलता से तुम्हें याद कर रही है उसने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया है ये दशा देखकर कार्तिकेय गणेश भी कितने व्याकुल हो गए भारत बहन के पावन प्रेम का महासागर दुख से हाहाकार कर उठा है जय दुर्गे जय अम्बे जय दुर्गे जय अम्बे माँ नवरात्रि के तीन दिन बीत गए सावित्री पुत्र कैसी बैठी उस पर दया करो माँ उस पर दया बचपन से आज तक जिन्होंने आपकी पूजा की क्या उन्हें इसका फल यही मिला माँ आपके होते आपके भक्तों पे आपत्ति है इससे तो आप कलंकित हो जाएगी माँ फिर कौन आपकी पूजा करेगा
कौन आपका नाम लेगा? कौन आपका विश्वास करेगा? कौन आपका विश्वास करेगा माँ? बोले ना माँ, बोलो ऐसे न करो, न दुख करो, न करो। मैं ठीक कह रहा हूँ अजय बाबू, बिटिया रानी की हालत देख कर बजा बजाने के लिए और नाचने के लिए परों ने जवाब दे दिया। हमारे दिल की तमाम खुशियाँ खत्म हो चुकी, आरती की जो आंसू आ रही है अजय बाबू, अब हमसे आरती नहीं होगी, नहीं होगी। पुजारी जी, आप तो विद्वान हैं, आप अगर निराश हो जाएंगे तो सावित्री का व्रत, उसका संकल्प कैसे पूरा होगा? पुजारी जी, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए पुजारी जी, आरती कीजिए, आरती कीजिए पुजारी जी, ना चुप हो जाओ, बाजा बाजा इनो, देखो बाजा बाजा माँ के दूर का नवरात्रि का उत्सव करो। तुम्हारा विश्वास पूर्ण पूर्ण सावित्री, माता के दरबार में न्याय होता है, अन्याय नहीं। मेरे प्राण ले लो, कुमार को जीवित कर दो माँ, कुमार को जीवित कर। सावित्री अपनी प्रतिज्ञा पर अचल बनी तुम्हारे स्वर्ण में डूबी हुई है, उसके हृदय में तुम्हारी भक्ति, ओठों पर तुम्हारा ही नाम है। मुझे मालूम है नवरात्र की भीड़ चुटोड़े आज दशहरा है, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सावित्री के लिए आप थोड़ा सा समझिए। समय समय बहुत हो गया अजय, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, मैं माता की मूर्ति का विसर्जन करना। अजय बाबू, सावित्री तो पागल हो गई है, आप तो नहीं। अजय आप तो समझदार हैं, आप तो धर्म और अधर्म दोनों समझते हैं। अजय बाबू, जब तक कुमार की लाश यहाँ पड़ी रहेगी माता की मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। अगर माता की मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा तो हम सबके लिए बड़ा दुख होगा। कहीं ऐसा ना हो इस शुभ के कारण माता हमसे रूठ जाए और हम सब उनकी क्रोध की ज्वाला में जलकर समाप्त हो जाए। मुझे जी बेटा, बेटा जी, मुखिया जी और गांव वाले ठीक कहते हैं। भैया, हमें तुम्हारी को कहने की हिम्मत नहीं होती, अब तुम्हें इन्हें समझाना होगा। अजय, अब बच्चे की मिट्टी ठिकाने लगा ले। मामा जी, ये ठीक कह रहे हैं भैया, अब इसके से कुछ चारा ही नहीं, आपको कुमार का अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। नहीं 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 अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो। माँ, ठीक है, ठीक है। कुमार का मुंह छोड़ दो, हमारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। हाँ सावित्री, अपनी ममता की छाती पर सबर का पत्थर रख लो, समझ लो कि कुमार से हमारा इतना ही संबंध था, अब हमारा बेटा मिट्टी है, लाश है, ये मर चुका है। हाँ सावित्री, सावित्री मर चुका है, इसे दे दो सर। स्वामी नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं, वो सोया है, वो जाग जाएगा। स्वामी मरा नहीं,
वो सोया है स्वामी, वो जाएगा, वो हाथ जाएगा, वो मरा नहीं। Thank you.
परम पार है जो मेरे लाल को मेरे पास तो कह रही हूँ हवेली वापस चलो। हाँ बेटे चलना ही पड़ेगा, माँ की भी यही इच्छा है। अरे भाई देख के क्या हो, उसका मना झगड़ा कर उसका भक्त तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सावित्री का व्रत पूरा हुआ किंतु उसे इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? प्रभु उस जन्म में सावित्री ने संकल्प रखकर भी पुत्र के मुंह में पड़कर नवरात्रि का व्रत भंग कर दिया था, इसीलिए उसे इस जन्म में ये कष्ट उठाना पड़ा। देवी की माया देवी ही जाने, किंतु इतना सत्य है कि जो कोई सच्ची लगन से तुम्हारी नवरात्रि का व्रत रखेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आरती करे जो दुर्गा की मां की वो तो सब सुख पाता। आरती करे जो दुर्गा की मां की वो तो सब सुख पाता। माता माता हम तेरा करेंगे विराता, नवरात्रि का शुभ आगमन हमें पाता।